श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मनचाही नौकरी पाने का यह अचूक उपाय जो कि परम पूज्य पंडित जी की कथा से सुनकर आपको हम बता रहे हैं, इस आसान से उपाय को एक बार अवश्य करें। पढ़ाई लिखाई शिक्षा पूरी होने के बाद भी यदि आप बेरोजगार हैं, घर पर बैठे हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इंटरव्यू या परीक्षा में भी बैठते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है, नौकरी पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो एक बार परम पूज्य पंडित जी द्वारा बताए गए उपाय करके देख लीजिए, 100% सफलता मिल जाएगी और जिस नौकरी के लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय इस प्रकार है, किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन एक लोटा जल और 2-4 सफ़ेद फूल लेकर शिव मंदिर चले जाइए। सबसे पहले आप जल भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके साथ बेलपत्र, अक्षत, चंदन या जो भी पूजा सामग्री आप चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा दीजिए। यदि आपके पास बेलपत्र, चंदन, अक्षत नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो सफ़ेद फूल आपके पास है, 2-4 जितने भी फूल हैं वह आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। सिर्फ सफ़ेद फूल ही आपको चढ़ाने हैं। फूल चढ़ाते समय भगवान कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव भगवान शिव का ही दूसरा नाम है। फूल चढ़ाने के बाद वहीं खड़े होकर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे कुंदकेश्वर महादेव, आप हमारी सहायता कीजिए, हम बेरोजगार हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, परीक्षा या इंटरव्यू में पास नहीं हो पा रहे हैं, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इस बार की परीक्षा के लिए आप आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से नौकरी, इंटरव्यू, प्रतियोगी परीक्षा में हमें सफलता मिले। ऐसी प्रार्थना आपको सच्चे मन व भोले बाबा के ऊपर पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ करना है। साथ ही साथ आप अपने परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत व कर्म करने वालों का साथ भगवान अवश्य देते हैं, क्योंकि कर्म और भाग्य जब दोनों साथ हो जाता है तो सफलता अवश्य मिलती है। यह उपाय उन्हें स्वयं करनी है जिन्हें नौकरी पाने में सफलता चाहिए, किसी दूसरे के लिए जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए अगर करना चाहते हैं तो बच्चे को मंदिर ले जाकर उनके हाथ से यह उपाय करवाएं तो सफलता बहुत जल्द मिलेगी। इस उपाय को एक बार आप अवश्य करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कुंदकेश्वर महादेव की जय अवश्य लिखें।